हेलो दोस्तों, मैं नवरत्न आपका स्वागत करता हूं फिर से हमारे YouTube चैनल NR Live Tech में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि Facebook स्टोरी से अपनी जो भी पुरानी से पुरानी Facebook स्टोरी है उसे कैसे डाउनलोड करें म्यूजिक के साथ में, सॉन्ग के साथ में। जैसे कि आप किसी इमेज को अपलोड करते हो Facebook पे और वहाँ पे ऑडियो लगाकर आप Facebook स्टोरी को अपलोड करते हो और दोबारा से उसे डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल के अंदर, उसी के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि किस प्रकार से आप Facebook से अपनी पुरानी से पुरानी Facebook स्टोरी को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों उसमें क्या हुआ कि Facebook ने वो सेव वाला ऑप्शन हटा दिया है, अब वहाँ से आप Facebook स्टोरी को डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो में ये बताऊँगा कि किस प्रकार से आप पुरानी से पुरानी Facebook स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप MP3 ऑडियो लगाकर आपने इमेज को अपलोड किया है स्टोरी पे उसे दोबारा से अपने मोबाइल के अंदर सेव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, उसमें समझ में आएगा कि किस प्रकार से आप अपनी Facebook स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हैं पुरानी से पुरानी को भी। तो दोस्तों एक एप्लीकेशन के जरिए करेंगे, उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने मोबाइल की ओर और देखते हैं कि किस प्रकार से इस एप्लीकेशन से अपन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ब्राउज Facebook और हाउ टू यूज। तो हमें अपनी Facebook स्टोरी को डाउनलोड करना है तो ब्राउज Facebook पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ब्राउज Facebook पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी जो भी Facebook ID और पासवर्ड है उससे लॉगिन कर लेना है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से लॉगिन विथ वन टैप। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या आपकी Facebook ID यही है, तो हम इसे ओके कर देते हैं। तो दोस्तों ओके करने के बाद में हमारी Facebook ID ऑन हो जाएगी, यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में हम अपनी Facebook जो भी Facebook स्टोरी है उसे डाउनलोड करना चाहते हैं। दोस्तों कितनी भी पुरानी Facebook स्टोरी हो वो यहाँ पे डाउनलोड होगी, अगर आप इमेज के साथ में म्यूजिक लगाकर भी अपलोड करे थे तो वो म्यूजिक के साथ में भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों डाउनलोड करने के लिए जो भी प्रोफाइल पिक्चर है उस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि 3 डॉट है उस पर क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी लॉन्ग पे क्लिक करना है। दोस्तों एक्टिविटी लॉन्ग पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर फिल्टर अर्चीव रिसाइल विन, तो हमें अर्चीव पे क्लिक नहीं करना है, हमें करना है फिल्टर पे क्लिक। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, हमें स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे अर्चीव्ड स्टोरीज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे ईयर दे रखा है 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013। दोस्तों कोई से भी ईयर का निकाल सकते हैं, कोई से भी मंथ का निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं 20 के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों 20 पे क्लिक करते ही हमारी यहाँ पे स्टोरी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों किसी भी स्टोरी को डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे स्टोरी पे क्लिक करेंगे। स्टोरी पे क्लिक करने के बाद में हमारी जो भी स्टोरी होगी वो इस प्रकार से दिखाई देगी। तो दोस्तों इस स्टोरी को डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर 2 बार टैप करेंगे और कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, डाउनलोड वॉच और कॉपी URL। तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी जो भी स्टोरी है वो डाउनलोड होने लग जाएगी। यहाँ पे ये स्टोरी डाउनलोड हो गई है, तो हम फाइल मैनेजर में जाकर देखते हैं कि हमारी स्टोरी डाउनलोड हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो भी Facebook वो स्टोरी थी वो डाउनलोड हो चुकी है। और दोस्तों मैंने ये इमेज थी इस पर मैंने Facebook पे म्यूजिक लगाकर ऐड किया था स्टोरी को, तो हम देखते हैं कि म्यूजिक भी आया है या नहीं आया है। तो दोस्तों यहाँ पे म्यूजिक भी आ गया है और आप बिल्कुल आसानी से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने Facebook स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी म्यूजिक के साथ में, और कितनी भी पुरानी Facebook स्टोरी हो वो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।